अच्छा इंतज़ाम किया गया है, और इस बारी क्योंकि COVID-19 की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और नंबर दो क्योंकि नगर निकाय के चुनाव भी हो रहे हैं, बहुत से जो प्रत्याशी हैं इस त्यौहार में मोबिलाइजेशन करेंगे, ज़्यादा लोगों को बड़े पंडाल सजाएंगे, उसी के आड़ में अपना कैनवसिंग भी करेंगे। इसी के मद्देनज़र इस बारी ज़्यादा सुरक्षा, पुख्ता सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। राजधानी पटना में हर तरफ दुर्गा पूजा को लेकर धूमधाम है, वहीं पंडाल निर्माण का कार्य भी चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज से कलश स्थापना भी स्टार्ट हो गया है, और जो पटना के अब लोगों को इंतजार है तो सिर्फ दुर्गा पूजा का मेला घूमने का। अब जो पटना पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट मूड में है, और जो पटना के SSP हैं मनोजीत सिंह ढिल्लो, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो भीड़ भाड़ की इलाके होगी उन तमाम जगहों पर CCTV कैमरे से नज़र रखी जाएगी। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो बाइकर्स सड़कों पर उतरते हैं और उत्पात मचाते हैं उनके लिए एक स्पेशल टीम भी गठित किया गया है। और भी क्या कुछ कर रहे हैं दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर पटना के SSP मनोजीत सिंह ढिल्लो, अब देखिए इस वीडियो में। नवरात्रि का शुभ जो त्यौहार है शुरू हो गए हैं, आज प्रथम नवरात्रि है, इसके लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किया गया है। और इस बारी क्योंकि COVID-19 की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और नंबर दो क्योंकि नगर निकाय के चुनाव भी हो रहे हैं, बहुत से जो प्रत्याशी हैं इस त्यौहार में मोबिलाइजेशन करेंगे, ज़्यादा लोगों को बड़े पंडाल सजाएंगे, उसी के आड़ में अपना कैनवसिंग भी करेंगे। इसी के मद्देनज़र इस बारी ज़्यादा सुरक्षा, पुख्ता सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। ज़िला भर में अभी तक 1387 पंडालों और माँ दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के लाइसेंस अनुज्ञप्तियों को प्राप्त किया गया है, और सभी का रूट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। प्रत्येक पंडाल में अनिवार्य किया गया है कि जो CCTV आयोजकों के द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन जो कुछ बड़े पंडाल हैं वहाँ पे हम जिला प्रशासन की तरफ से भी CCTV लगवाएंगे। कृत्रिम तालाबों का हम लोगों ने निर्माण शुरू करवाया है, पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसको करवा रही है। इसके अलावा इस बारी हम लोग क्योंकि जो सप्तमी के बाद मेला लगता है, सप्तमी के बाद जब लोग निकलते हैं पंडालों को देखने के लिए, और उसके बाद एक प्रॉब्लम होती है जो बाइकर्स निकलते हैं, तो विशेष रूप से जो हमारे 5 मार्ग हैं, एक तो JP गंगा पथ हो गया जो कि इस साल का नया एडिशन है, अटल पथ हो गया, पाटली पथ हो गया, बेली रोड हो गया, राजा बाज़ार पुल का एलिवेटेड रोड हो गया, दानापुर सगुना मोड हो गया, और रिस्ट्रिक्टेड जोन जहाँ पे ये लोग तेज़ स्पीड में बाइक चलाते हैं, स्टंट करते हैं, तो उसमें हम लोग अलग से एक सुरक्षा प्लान हम लोगों ने बनाया। रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक इन सभी मार्गों पे अलग अलग जगह चिन्हित की गई है, निरंतर चेकिंग रहेगी, और ऐसी गाड़ियों को इम्पाउंड किया जाएगा ताकि जो मेला देखने के लिए महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं और श्रद्धालु आ रहे हैं, उन लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नंबर दो, सभी पंडालों पर स्टैटिक डेपुटेशन रहेगा। इसके अलावा मोबाइल हमारी पार्टीज़ और QRTs रहेंगी, क्योंकि इस बड़ी अत्यधिक भीड़ होगी, खास करके रावण वध में भी एक राउंड हम लोगों ने सभी ने मिलकर स्थल निरीक्षण कर लिया है। पूरे गांधी मैदान को 5 जोन्स में बांटा गया है, प्रॉपर बैरिकेडिंग किया जाएगा, प्रॉपर उसमें भी CCTV की व्यवस्था होगी। और इस बारी जो हम लोगों का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, इसमें हम लोग फर्स्ट टाइम जितने भी CCTV फीड इंटीग्रेटेड रूप से यहाँ पे हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हमारा डेडिकेटेड टीम रहेगा जो कि भीड़ का आकलन करने के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए तो 900 चलता है, भीड़ का आकलन करने के लिए विशेष रूप से वो होगा कि किस सेक्टर में किस जगह पे ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो उसी के हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। इस बारी कुछ क्योंकि जो चल रहा है, जैसे पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का काम चल रहा है, डबल डेकर फ्लाईओवर का काम चल रहा है, उसकी वजह से भी कुछ रूट्स में चेंजेस हुआ है, उनका सत्यापन किया जा रहा है। और नगर निकाय चुनाव के मद्देनज़र भी जहाँ जहाँ पर भी संवेदनशीलता बढ़ी हुई है, विरोधात्मक कार्रवाई की गई है, अभी तक तकरीबन 5,500 लोगों के ऊपर 107 की कार्रवाई की गई है, और 113 लोगों को CCA 3 में हम लोगों ने बाउंड डाउन कराने के लिए प्रस्ताव जिला पदाधिकारी महोदय के पास भिजवा दिया है। कुछ लोगों को हम लोग प्रिवेंटिव रूप से डिटेन भी करेंगे जो चिन्हित हैं पहले, अगर वो जो बॉन्ड है उसको नहीं भरते हैं, तो जो व्यापक सुरक्षा है व्यापक सुरक्षा रहेगी, और रैफ और बाहर से भी बल लाएंगे इसमें। तभी आपने देखा जो पटना के SSP हैं मनोजीत सिंह ढिल्लो, उन्होंने साफ साफ कहा कि जितना भी पंडाल बना हर पंडाल में CCTV कैमरे से नज़र रखी जाएगी। और वहीं
और वहीं सड़कों पर जो बाइकर्स उतरते हैं और उत्पात मचाते हैं उन लोगों पर भी, उन लोगों के लिए एक स्पेशल टीम गठित किया गया है और वो रात में वो टीम पटना की सड़कों पर 8 बजे उतरेगा और सुबह तक वो टीम रहे। वहीं आपको बता दें कि पटना SSP ने साफ साफ कहा कि मैरीन ड्राइव, सगुना मोड़, दानापुर और भी अटल पथ, इन तमाम जगहों पर जो बाइकर्स गैंग घूमते हैं और उत्पात मचाते हैं, इन लोगों पर निगरानी रखी जाएगी और एक स्पेशल टीम भी गठित की गई है। और भी जो दशहरा पूजा की, जो दुर्गा पूजा की तैयारी है उसको लेकर क्या कुछ कर रहे थे पटना SSP मनोजीत सिंह ढिल्लो, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।